हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ लेकर के आपके लिए नई रेसिपी। आप देख सकते हैं ये किसकी ग्रेवी लग रही है, आप देख सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ये रोटी की ग्रेवी है, बचे हुए रोटी की ग्रेवी। ये जो हमने कोफ्ते बनाए हैं ये रोटी के कोफ्ते हैं। ये बहुत ही यम्मी रेसिपी है, बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम बताते हैं ये रेसिपी हमने कैसे बनाई है, शुरू करते हैं। पर हमने रोटी के कोफ्ते बनाने के लिए रोटी लिया है, ये ताज़ा रोटी है। हमने हमारे पास बची हुई रोटी नहीं थी, आप चाहे तो बची हुई रोटी से भी बना सकते हैं। रोटी के कोफ्ते बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए हम आज इसे आप ट्राई कर रहे हैं आपके सामने। और फिर मैंने ये लिया है दही एक कटोरी, ये ताज़ा दही है। इसमें बासी दही यूज़ करेंगे तो हमारा कोफ्ता अच्छा नहीं बनेगा। ये मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, आप चाहे तो बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने लिया है लाल मिर्ची पाउडर, ये मैंने लिया है धनिया पाउडर, ये मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, और ये मैंने हल्दी पाउडर लिया है। ये मैंने आमचूर लिया, इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये मैंने अखा मसाला लिया, इसे बिना पीसे ही हम यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर मैंने लिया है कटी हुई धनिया, ये मैंने लिया है दो एक टमाटर चॉप किया हुआ, ये मैंने दो मिर्ची ली है, ये मैंने लिया है अदरक लहसुन लिया है, और ये अदरक लिया है, और फिर ये मैंने दो प्याज लिया है काटा हुआ, और ये मैंने कद्दूकस किया हुआ प्याज लिया है, और ये मैंने तेज पत्ता लिया है, इसे टेस्ट अच्छा आता है। हमने रोटी के टुकड़े टुकड़े किए हैं और इसे हम मिक्सर में अब पीस देंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हमने ये रोटी को पीस लिया अच्छी तरीके से, तो देखिए कितना पतला हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर ये दो कद्दूकस किए हुए बटाटे लिए, कच्चा बटाटा ही है, हम इसे मिला देंगे रोटी को जो हमने पीसा था इसी। फिर हम इसमें दो कद्दूकस किया हुआ जो हमने प्याज किया था उसको हम मिला देंगे, और इसमें मैं ये थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ, और ये थोड़ा सा मिर्ची, और ये थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ टमाटर। फिर मैं इसमें डालूँगी ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और ये आमचूर पाउडर पूरा डाल देंगे हम एक चम्मच, और ये मैं डालूँगी आधा चम्मच धनिया पाउडर, और फिर मैं ये डालूँगी आधा चम्मच नमक। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसकी गोली बना लेंगे। हमने इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है क्योंकि प्याज में पानी की कंसिस्टेंसी होती है, अगर आपको कम लगे तो आप पानी का यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारा बैटर बन गया है इसका अच्छी तरीके से। अब मैं इसे गोल गोल बना दूँगी गोली अच्छी तरीके से, हम इसे गोल गोल शेप दे देंगे। तो देखिए हमने सारे के सारे गोली बना लिए रोटी के अच्छी तरीके से, पूरा गोल गोल शेप दे दिया इसे। अब हम इसे फ्राई कर देंगे। हमने यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रखा है थोड़ी देर के लिए, अब हम इसे गर्म होने देंगे। चेक करेंगे कि हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं, तो ये मैंने छोटा सा रोटी वाला जो हमने बैटर बनाया था वो डाला है। तो अभी ये फ्राई हो रहा है अच्छी तरीके से, तो हम सारे के सारे बैटर जो हमने गोल गोल बनाए थे रोटी के, वो हम सारे के सारे इसमें फ्राई कर देंगे। हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए अब हमारा ये रोटी वाला कोफ्ता जो हमने गोल गोल बनाया था ये अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुका है, अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे निकाल दूँगी और इसका तेल पूरा निकल जाना चाहिए, हमें अच्छी तरीके से इसे निकाल लेना है। तो अभी हमने ये सरसों का तेल लिया है दो चम्मच, इसका स्मेल निकालने के लिए हम इसे थोड़ा ज़्यादा देर तक गर्म करेंगे तो इसका स्मेल निकल जाएगा। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने तेज़पत्ता डाला है तीन, और ये हम मैंने खड़ा मसाला लिया है, उसे हम फ्राई कर देंगे अच्छी तरीके से। ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है अभी फ्राई करने के बाद खड़ा मसाला अच्छी तरीके से, फिर हम उसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब हमारा सारा का सारा चीज़ हमने जो डाला था फ्राई हो चुका है, प्याज और ये लहसुन अदरक का पेस्ट पूरे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, और पात थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ना शुरू कर दिया है ये। अब मैं इसमें ये मैंने बेसन और दही का पेस्ट बनाया था, मैं उसे मिला दूँगी अच्छी तरीके से, मिक्स कर लेंगे हम। हमें इसे अच्छी तरीके से मिलाते ही रहना है वरना हमारा दही फट सकता है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम। देखिए हमने जो दही डाला था वो अच्छी तरीके से पक चुका है, इसने थोड़ा थोड़ा तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया है, और ये इकट्ठा भी हो रहा है।
अगर हमारा इकट्ठा होने लग गया है तो मतलब हमारा ये जो मैंने दही डाला था वो अच्छी तरीके से पक चुका है। अब मैं इसमें मसाला डालूँगी। ये मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, और ये मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, ये मैं डाल रही हूँ बचा हुआ जो हमारा हल्दी पाउडर था वो, और ये मैं डाल रही हूँ एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये मैं डाल रही हूँ जो हमारा ये टमाटर था वो डाल रही हूँ, और ये मिर्ची डाल देंगे हम, और फिर हम इसे अच्छी तरीके से इन सारे मसालों को लो फ्लेम पर पका लेंगे। देखिए अब हमारा मसाला अच्छी तरीके से इकट्ठा हो चुका है, ये कढ़ाई भी छोड़ चुका है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। कश्मीरी पाउडर जिसे हम बोलते हैं, इससे कलर अच्छा आएगा, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। ये 2 मिनट के लिए कंटिन्यूसली मिलाएंगे अच्छी तरीके से। हमारा अच्छी तरीके से मसाला पूरा भुना चुका है, भून चुके हम इसे अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेवी बनाने के लिए पानी डाल रही हूँ। हम इसे थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे, आप चाहे तो अपने हिसाब से इसे पतला कर सकते हैं। मैं इसे चला लूँगी, जब तक इसमें एक उबाल नहीं आएगा तब तक हम इसे पकने देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ, हमने पहले भी नमक कोफ्ते में डाला था इसीलिए मैं इसमें थोड़ा कम ही डाल रही हूँ। आपको जितना नमक पसंद हो आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक कर के रख दूँगी, जब तक इसमें एक उबाल नहीं आएगा तब तक इसे हम पकने देंगे। तो देखिए अब हमारा ये ग्रेवी पक चुका है अच्छी तरीके से। अब मैं ये जो हमने कोफ्ते बनाए थे रोटी के वो हम सारे इसमें मिला देंगे और इसे भी 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो देखिए अब हमारा ग्रेवी और ये रोटी का जो हमने बनाया था कोफ्ता वो अच्छी तरीके से पक चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसे हम सर्व कर देंगे। अगर आपको अभी सर्व करना है तो कर सकते हैं। अब हम ये कोफ्ते को गार्निश कर देंगे अच्छी तरीके से धनिए से। तो देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है देखने में ये, और खाने में भी उतना ही अच्छा लगेगा। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।